दुनिया की मत सोचो, कर्म करते रहो प्यारे। सच्चे कर्म और सच्चे भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जय हो बाबा भोलेनाथ की। बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग एनिमल्स का फर्स्ट पार्ट यानी प्लांट हॉर्मोन्स की थ्योरी भी आपको करवा चुका हूँ, उसके ऊपर हम MCQs भी कर चुके हैं। और बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और उसका भी हम पार्ट डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम। और बच्चों, नर्वस सिस्टम डिस्कस करने से पहले हम जांचेंगे, पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स क्या होता है। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक ज़रूर करना, उसके साथ साथ इस घंटी को भी बजा देना। और बच्चों, वीडियो के बारे में आपके जो विचार हैं वो भी आप लिखना मत भूलना, ठीक है? अच्छी अच्छी बातें हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करो। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो जो मल्टी सेल्युलर एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है जो काफ़ी सारी सेल से मिलके बने हुए होते हैं, अलग अलग सेल से मिलके बने हुए होते हैं। उनमें स्पेशल सेल्स होती हैं कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स उनको हम कहते हैं, ठीक है? और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली का। स्टिमुली क्या होती हैं? जो हीट है, लाइट है, टेम्परेचर है, ठीक है? तो ये सारी स्टिमुलस हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को ये क्या करते हैं बच्चों? कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो एक बार देखिए कोऑर्डिनेशन एनिमल्स क्या होगा। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स, यानी जो हायर एनिमल्स हैं उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा या जो हायर एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्टेब्रेट्स। टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम, उनमें नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उसके साथ साथ हार्मोन्स के थ्रू भी क्या होता है इनमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। हार्मोन का जो सिस्टम है उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों, इसके बाद जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं हमारे सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू, तो उन सेंस ऑर्गेन्स के बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखना यार, टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब्र से, थोड़ा सा इत्मीनान से वीडियो को देखा करो। ये नहीं है कि यार 2 सेकंड देख लिए और भाग गए, ऐसा मत किया करो यार, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा मेरे भाई। बुरा लगे तो लगे, मैं तो सच्ची बात बोलता हूँ, ठीक है? अब देखिए, जो सेंस ऑर्गेन्स हैं उनका भी इसमें प्रोसेस होता है। कैसे भाई? सेंस ऑर्गेन्स का काम क्या होता है? जैसे आपकी जीभ है, अगर आपने खाना खाया, ठीक है, आपने रोटी खाई, उसका टेस्ट नहीं आएगा, स्वाद ही नहीं आएगा, तो मतलब आगे आपको मैसेज क्या मिलेगा? जब आप खाना खाते हो तो आपकी जीभ जब खाना खाती है तो वहां पे क्या है कि आपको दिमाग में ही आता है आज तो खाना अच्छा बना हुआ है। वो किसके कारण आता है? आपकी जीभ के कारण आता है। जीभ क्या है? एक सेंस ऑर्गेन है, ठीक है? तो हमारी जो बॉडी है उसमें 5 सेंस ऑर्गेन्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ठीक है? और इन सेंस ऑर्गेन्स के पास हर एक चीज को पहचानने के लिए क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। तो कितने सेंस ऑर्गेन बताए बच्चों मैंने? 5, ठीक है? तो 5 सेंस ऑर्गेन्स में ईयर का काम होता है हियर करना, आइज का काम होता है हमें साइट दिखाना यानी दृश्य दिखाना, मुंह का काम होता है टेस्ट करना, मुंह में जीभ होती है, जीभ का काम होता है ये, ठीक है? उसके बाद हाथ हैं और हमारी जो स्किन है उसका काम होता है टच को फील करवाना, नोज का काम होता है स्मेल, खुशबू का पता लगाना, ठीक है ना बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि रिसेप्टर। अब मैंने कहा था कि जो सेंस ऑर्गेन्स हैं उनके पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स के कारण ही हमें जो टेस्ट है उसका पता लगता है, आवाज हम सुन पाते हैं, चीजों को हम देख पाते हैं। रिसेप्टर इज ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल। रिसेप्टर क्या होता है? या तो एक सेल होगी या ग्रुप ऑफ सेल्स होगा एक सेंस ऑर्गेन्स में, ठीक है? विच इज सेंसिटिव, जो सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, यानी सेंसिटिव का मतलब वो पहचान करेगा एक तरह का जो स्टिमुलस है, जो चेंज है, हीट है, लाइट है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, ठीक है?
इनकी पहचान करेगा। तो उनमें क्या है, एक तरह का जो पर्टिकुलर सेंसिटिविटी होती है यानी चीजों को पहचानने की जो शक्ति होती है रिसेप्टर्स के पास, ठीक है। तो जो हमारी आईज है ना बच्चों, क्या है, आईज हैं, आईज के पास भी रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं लाइट रिसेप्टर्स, और क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स भी उनका दूसरा नाम है। ईयर्स हैं, ईयर्स को कहते हैं साउंड रिसेप्टर्स, या साइंस में कहेंगे फोनो रिसेप्टर्स। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इन ईयर, इंटरनल ईयर, अंदर के जो हमारे कान है, कान का अंदर का हिस्सा है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। नोज है, नोज को बोलते हैं स्मेल रिसेप्टर, या बोलते हैं इनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद टंग है, टंग का काम होता है टेस्ट करना, ठीक है, स्वाद का पता लगाना। तो इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको कहते हैं गस्टाटरी रिसेप्टर्स। और स्किन है, स्किन का काम होता है टच करना, प्रेशर को फील करना, टेम्परेचर को फील करना कि ठंड है या गर्मी है, ये हमारी स्किन पहचान करती हैं, ठीक है, इसलिए टच रिसेप्टर्स भी बोलते हैं इनको, और थर्मो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो मैसेज आता है, अब जैसे हमने खाना खाया या हमें गर्मी महसूस हुई, तो उसका जो मैसेज आता है वो जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स या जस्ट इंपल्स के रूप में। एट अ रिसेप्टर द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय ए स्टिमुलस, कि एक रिसेप्टर पे जो स्टिमुलस के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, यानी जैसे कि गर्मी ज़्यादा है तो हमें थोड़ा सा मतलब हमारी स्किन है, स्किन को थोड़ा सा फील होगा भाई गर्मी है, ठीक है। तो वो उस एनर्जी को जो स्टिमुलस के द्वारा यानी टेम्परेचर के द्वारा जो एनर्जी मिली भी टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको वो कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। किसके द्वारा चेंज करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, या बोलते हैं नर्व इंपल्स, या बोलते हैं जस्ट इंपल्स, ठीक है बच्चों। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, अगर आप नोट्स ना बना पाओ नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, ना बना पाओ कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये नोट्स आपको हैंड रिटन है आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर है ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गेन, कि जो सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं सेंस ऑर्गेन में, वो रिसीव करते हैं स्टिमुली को कि से फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उससे वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, और सेंड कर देते हैं, मैसेज कन्वे कर देते हैं बाय देम टू स्पाइनल कॉर्ड, और किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, एंड ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो गर्मी होगी, ठंड होगी, या लाइट कम ज़्यादा होगी, प्रकाश कम ज़्यादा होगा, उसका जो मैसेज है रिसेप्टर्स भेजेंगे किसको, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, और किसके थ्रू भेजेंगे, जो हमारे सेंसरी नर्व्स हैं उनके थ्रू भेजेंगे, ठीक है। और जो मोटर नर्व्स है ना बच्चों, वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं किसको, रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कि सबसे पहली बात तो ये आई कि जो सिग्नल्स हैं भाई, जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मैसेज आया रिसेप्टर्स के थ्रू आया बच्चों, उसके बाद मोटर नर्व्स है ना, जो ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगी कि आपको क्या काम करना चाहिए, अगर गर्म है तो आप हाथ पीछे उठा लो, ये मैसेज देगा आपका ब्रेन, ठीक है, किसकी फॉर्म में देगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, तब आप हाथ को क्या करोगे, पीछे खींचोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले ले, मान लो भाई आपके हाथ पैर गीले हैं, आप बिजली के जो बोर्ड हैं उसमें तार लगा रहे हो कोई पंखे का, ठीक है, तो एक तार तो आपने उसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा आपके हाथ को टच कर गया, ठीक है, तो आपके हाथ में वाइब्रेशंस होगी, तो वाइब्रेशन होते ही आपके माइंड में एक ही चीज आएगी कि तार को छोड़ दूं, या आप झटके से हाथ पीछे खींचते हो। तो ये किसके कारण होता है बच्चों, जब करंट आता है तो करंट आने का मतलब वो क्या है, स्टिमली है, वो चेंज है आपके लिए, और वो चेंज क्या जाएगा, अचानक से मैसेज जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आपके दिमाग के पास कि यार करंट लग गया, और आपका जो ब्रेन है वो क्या करेगा, वो मैसेज देगा फिर, ठीक है, वो मैसेज किसको देगा, वो मैसेज देगा बच्चों मोटर नर्व्स को, और मोटर नर्व्स क्या करेगी, आपको
फिर से कहेगी कि यार हाथ पीछे खींच ले या तार को छोड़ दे, तू बच जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इन चीजों का। अब एक होते हैं बच्चों इसमें इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या करते हैं? एन इफेक्टर इज ए पार्ट ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी का ही हिस्सा होता है, विच कैन रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, कि हमारे नर्वस सिस्टम के हिसाब अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन हमें पहुंची वो काम करेंगे इफेक्टर्स। यानी सीधा सीधा समझाऊं तो जैसे आपने गर्म जो बर्तन है उसको छू लिया, गर्म बर्तन को छूओगे तो अचानक से आपके ब्रेन के पास मैसेज जाएगा यार ये तो गर्म है, ठीक है, रिसेप्टर्स लेके जाएंगे, फिर वहां से एक मैसेज मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, एक मैसेज मिलेगा, ठीक है, वो मैसेज मिलता है मोटर नर्व्स के थ्रू, और मोटर नर्व्स के थ्रू वो मैसेज मिलता है किसको, इफेक्टर्स को, इफेक्टर्स उसको तुरंत उसी टाइम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, आप हाथ को उसी टाइम पीछे खींच लेते हो कि यार ये तो गर्म है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है बच्चों। इसमें हम दो तरह के सिस्टम्स की बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को, एक ही वीडियो में, आज की वीडियो में करेंगे बच्चों। ठीक है, बीच में मैं लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं बोलने वाला यार, आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो जाने दो बाढ़ में, बस पढ़ लो आप। ठीक है, अब देखो नर्वस सिस्टम की बात करूंगा मेरे साथियों। नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अब हिंदी वालों की जो प्रॉब्लम है कि सर हिंदी इंग्लिश में करवाते हैं, दोनों लैंग्वेज में करवा दो, भाई मिक्स करवाऊंगा, अब पढ़ लेना, बारी बारी मत कहना कि यार हिंदी इंग्लिश करवा दो। ठीक है, इतना कर सकता हूँ, पढ़ लेना बस एक बार। अब देखो कि जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, ये क्या होता है? तो बच्चों ऐसे ऑर्गेन्स का ग्रुप जो हमारी बॉडी में कमांड भेजने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। अब कमांड कैसी भेजेंगे सर? कमांड भेजेंगे जो इन्वायरमेंट में चेंज होगा, आपके शरीर को जो दुख तकलीफ होगी उसकी कमांड भेजेंगे, और उसको दूर करने की जो कमांड भेजने का जो सिस्टम है उसको कहेंगे नर्वस सिस्टम। जैसे जुखाम हो गया भाई, गले में खसखस हो गई, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें पता चलती हैं आपको, ये आपका नर्वस सिस्टम बताता है। बिना नर्वस सिस्टम के आपको चाय फीकी मीठी भी नहीं लगेगी मेरे साथियों। तो नर्वस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझ लो, ठीक है ना। अब देखो जो नर्वस सिस्टम है ना बच्चों, उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? तीन हिस्सों में। अब तीन हिस्से कौन कौन से हैं? एक तो है सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये दो अंगों से बनता है भाई, एक ब्रेन से और एक स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन यानी आपका दिमाग हो गया, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। अब यहां देखो, ये आपका ब्रेन है मेरे साथियों, और ये क्या है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, पीछे की तरफ होती है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी के पास, तो उससे थोड़ा सा ऊपर अंदर की तरफ इंटरनल होती है ये, ठीक है ना। तो ये ब्रेन हो गया, ये सेरिब्लम हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। डिस्कस करेंगे, डोंट वरी यार, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, बस टाइम लगेगा थोड़ा सा, जैसे जैसे बताता जा रहा हूं पढ़ते जाओ। दूसरा सिस्टम होता है बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधि तंत्रिका तंत्र। तो नर्व्स का एक जाल जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाया जाता है। देखो भाई, दिखाते हैं, ये देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर ये जो नाड़ियों का जो जाल दिख रहा है आपको, ठीक है, इस जाल को क्या कहते हैं बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये भी कितनी तरह का होता है सब बताएंगे, टेंशन ना लो। एक होती है क्रैनिकल नर्व जो ब्रेन तक मैसेज लाती हैं और लेकर जाती हैं, क्रैनिकल नर्व कहलाती हैं। और क्रैनिकल नर्व में कितने पेयर होते हैं? क्रैनिकल नर्व के कितने पेयर होते हैं? तो आप कहोगे सर 12 पेयर होते हैं, ठीक है, क्रैनिकल जो नर्व्स है उनके कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं, जो क्या करते हैं ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं और ब्रेन से मैसेज लेके आते हैं। दूसरी है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या होती है? जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर जाती है और मैसेज लेकर आती है। और मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 31 पेयर होते हैं भाई स्पाइनल नर्व के,
ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात इतनी। ठीक है, उसके बाद यहां देखो जो आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये है सेंट्रल नर्व सिस्टम। कौन सा है? सेंट्रल नर्व सिस्टम। समझ गए मेरी बात बच्चों? ठीक है, उसके बाद देखिए आगे। अब स्पाइनल नर्व है ये बात मैंने आपको बता दिया, अब हम पढ़ेंगे ऑटोनोमिक नर्व। ठीक है, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होती है बच्चों? ये होता है हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गेन, यानी अनैच्छिक अंग होता है। ऐसे ऑर्गेन इस सिस्टम में आते हैं जो अपने आप काम करते हैं, कोई मैसेज उनको नहीं देना पड़ता, खुद से काम करते हैं। जैसे फूड पाइप हो गई, आपका स्टमक हो गया, हर्ट हो गया, लंग्स हो गए, हर्ट है, हर्ट को कोई कमांड नहीं देता, खुद से काम करता है। उसके पास ब्लड आएगा तो वो पंप कर देगा भाई, उसका काम ही यही है। ठीक है, लंग्स है, लंग्स के पास अगर ब्लड जाएगा तो वहां से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे भेज देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर देंगे। फूड पाइप है, खाना खाओगे तो फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक में चल जाएगा। तो ये सिस्टम खुद चलता है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम वो होता है जो खुद से काम करता है भाई, किसी तरह की कोई कमांड नहीं देनी पड़ती। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, मस्तिष्क है भाई कहाँ लोकेटेड है, किस जगह पे ये पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बिलो क्रेनियम। बिलो क्रेनियम यानी आपकी खोपड़ी और कपाल के नीचे। खोपड़ी यानी सिर में जो देखो खोपड़ी बनी हुई है, ठीक है, जिसको आप बोल दे खोपड़ी फोड़ दूंगा। ठीक है, तो खोपड़ी है, खोपड़ी के नीचे क्या पाया जाता है भाई? ब्रेन पाया जाता है। और इसमें कितनी बोन से बनी है भी आपकी खोपड़ी? आप कहोगे सर 8 हड्डियों से बनी है, 8 बोन से बनी हुई है। फिर एक होती है बच्चों ब्रेन मेम्ब्रेन। क्या होती है? ब्रेन मेम्ब्रेन। खोपड़ी है, खोपड़ी के नीचे ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर क्या होती है? एक लेयर होती है। ठीक है, तो ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेन मेम्ब्रेन, और इसे मेनेनिस भी कहते हैं। ठीक है, मैगनीज भी कहते हैं इसको। और ये मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनती है बच्चों। एक तो होती है आउटर लेयर जिसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। और कल एक क्वेश्चन भी मैंने आपको पूछा था कि ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन सी लेयर करती है, तो वहां था ड्यूरा मैटर। ठीक है, दूसरी होती है आर्केनोइड यानी मिडल लेयर। तीसरी होती है बच्चों पियोमेटर। पियोमेटर ठीक है, ये होती है इनर लेयर, अंदर की लेयर। बाहर की लेयर को ड्यूरा मैटर बोलेंगे, बीच की जो लेयर है उसको बोलेंगे आर्केनोइड, और तीसरी लेयर को बोलेंगे पियामेटर। ठीक है बच्चों, अब है मेनेनिट डिसीज यानी दिमाग की जो बीमारी है वो कौन सी है? जब ब्रेन की मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, दिमाग में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे होने वाले जो रोग हैं बच्चों उनको कहते हैं मेनिनगाइटिस। ठीक है, डिसीज। और ब्रेन का जो वेट होता है एडल्ट में वो होता है 1400 से 1450 ग्राम। एक फीमेल में जो वेट होता है दिमाग में वो होता है 1300 से 1350 ग्राम। ठीक है, और बच्चे में, बच्चे के दिमाग में वजन होता है 300 से 400 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट दिमाग किसका है भाई? ह्यूमन का। और सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट दिमाग किसका होता है? डॉल्फिन का। ये एनिमल्स में है। और हमारा जो दिमाग है उसका 2 से 2.5% हिस्सा ही हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है ना, अगर ज्यादा यूज करने लग जाए तो आपसे बड़ा कोई है ही नहीं भाई। और डेथ के 5 से 7 मिनट तक दिमाग क्या रहता है? जिंदा। क्वेश्चन पूछ ले भाई आदमी के मरने के बाद दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है? तो आप कहोगे 5 से 7 मिनट। बायोलॉजिकल डेथ जिसमें ब्रेन की डेथ हो जाती है, बाकी ऑर्गेन कुछ समय तक क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। इंसान का दिमाग जब काम करना छोड़ देता है, ठीक है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ। और कुछ जो हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गेन्स है उसके बाद कुछ टाइम तक क्या करते हैं बच्चों? काम करते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, और इसके बाद क्या है कि जो हमारे दिमाग में एक दिन में कितनी थॉट्स आती हैं? 70,000 प्लस। सोच लो यार कितना, इतना सोचते हैं कोई?
ठीक है, कम सोचा करो, पढ़ा ज़्यादा करो, ताकि काम हो जाएगा हमारा जिस पर्पज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इन 70,000 में से मेरे साथियों 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, 10% ही सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। अब सुबह सुबह एक क्वेश्चन आ जाए कि सुबह सुबह उठते ही दिमाग के पास कितनी एनर्जी होती है, तो आप कहोगे कि दिमाग के पास 10 वोल्ट का बल्ब जलाने की एनर्जी होती है। तो मेरे साथियों, इसीलिए टीचर्स आपके कहते हैं कि रात को जाग के पढ़ने से बेटर सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो। वो इसी कारण कहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, इट इज़ ए फैटेस्ट ऑर्गेन, यानी वसीय अंग है, वसा का अमाउंट ज़्यादा है भाई। अब मेरे साथियों, दिमाग को हम पढ़ेंगे 3 हिस्सों में, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है फोर ब्रेन, अगर मस्तिष्क, ठीक है, इसमें क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, तीसरा है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, और इनके जो मेडिकल नेम है बच्चों वो हैं प्रोसेन सेफिनोफिलोन और मेजोनसीफिनोल, और क्या है रोम्बो रोबेंसोफिलोन, ठीक है। और ये जो है हमारा फोर ब्रेन, ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे दिमाग का, और इसके 3 हिस्से हैं, एक है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिब्रम परमस्तिष्क। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे दिमाग का जो लार्जेस्ट सब पार्ट है वो कौन सा है, तो आप कहोगे सेरिब्रम है। और ये कितना बड़ा होता है, ये पूरे दिमाग का 2/3 हिस्से के बराबर होता है, पूरे दिमाग के 2/3 हिस्से के बराबर होता है। और जो मिड ब्रेन है, ठीक है, क्वेश्चन यूं पूछ ले कि ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो आप कहोगे मिड ब्रेन है। कौन सा है बच्चों, मिड ब्रेन है, ठीक है। और जो हमारा हिंड ब्रेन है वो 3 तरह का होता है, पॉन्स वेरोली, या इसको बोलते हैं पॉन्स भी बोल देते हैं, एक होता है मेंडुला ओब्लेगेटा और एक होता है सेरिबलम, ठीक है, वो सेरिब्रम था, एक है सेरिबलम यानी अनुमस्तिष्क। और ये क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, या इसको बोल देते हैं भाई लिटिल लिटिल ब्रेन भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी इसको कहते हैं। अब दिमाग का छोटा भाग कौन सा है भाई, दिमाग का छोटा भाग कौन सा है, सेरिब्रम है। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट पार्ट पूछे तो आप कहोगे मिड ब्रेन, मध्य ब्रेन है, ठीक है। समझ गए मेरी बात भाई इतनी। अब चलिए आगे दिखा देते हैं थोड़ी थोड़ी सी डायग्राम आपको। ये होता है आपका फोर ब्रेन, आगे का जो ब्रेन हिस्सा होता है ये, ठीक है, और ये होता है बच्चों आपका मिड ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन देख लो भाई, ये होता है जिसमें सेरिब्रम होता है, ये वाला, ये क्या होता है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पोन्स होती है, यहाँ मेंडुला होती है, ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, मिड ब्रेन, ठीक है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। उसके बाद पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो भी यहाँ होती है। डोंट वरी यार, धीरे 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 सारी चीज़ें करवा देंगे, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इन चीज़ों को आप देखते रहना ध्यान से, और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट भी हम लगाएंगे, ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, डोंट वरी। और बच्चों अब हम पढ़ेंगे इस ब्रेन स्टेम के बारे में, इसके बारे में, इसको बोलते हैं मस्तिष्क की पूंछ। क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की पूंछ, ठीक है। ये बनती है मिड ब्रेन, पोन्स वेरोली और मेंडुला ओब्लेगाटा से मिलके, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे क्या होती है, अटैच होती है। अब देखो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे, ये हाइपोथैलेमस हो गया आपका, ध्यान से देखो ये वाला, ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या होती है, कनेक्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये किस किस से मिलके बनी होती हैं, ये देखो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें पोन्स भी होता है और मेंडुला ओब्लॉगेटा भी होता है ना, ठीक है, इन चीज़ों से ये मिलके बनी हुई होती है यार, ध्यान से जो चीज़ें बताई जाती हैं ध्यान से देख लिया करो, ठीक है, और मिड ब्रेन से भी कनेक्टेड होती है।
उसके बाद इसका जो फंक्शन होता है हिंड ब्रेन का, ठीक है, हिंड ब्रेन का जो फंक्शन होता है, तो उसमें पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों सेरिबेलम को। तो सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क होगा, इसको हम कहते हैं लिटिल ब्रेन, ब्रेन क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग या ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो पेड़ है वो भी इसको कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, बॉडी बैलेंस करना, शरीर को संतुलित करना, मस्कुलर मूवमेंट यानी मांसपेशियों में संकुचन करवाना, ठीक है, उसके बाद बॉडी पोस्चर यानी उल्टा सीधा लेटना, ठीक है, यानी जो आप करवट लेते हो वो काम भी हमारा कौन करवाता है बच्चों, वो करवाता है सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर भी हमें कौन देता है, सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, ठीक है। एक्सेस कंजप्शन इफेक्ट्स सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, मेंडुला ओब्लॉन्गाटा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को, जो अनैच्छिक अभिक्रियाएं हैं उनको, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो काम करता है कौन, उनको कंट्रोल करता है मेंडुला ओब्लॉन्गाटा। और ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है मेरे साथियों, कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की कौन कौन सी होती हैं, वाइटल रिएक्शंस जैविक क्रियाएं, और होती हैं एसेसरी रिएक्शंस यानी सहायक क्रियाएं। तो वाइटल रिएक्शंस वो होती हैं, रिएक्शंस आर इनवॉलेंट्री इन एब्सेंस ऑफ दोज रिएक्शन बॉडी कैन डाई, कि इनकी एब्सेंस में जो बॉडी है वो क्या है, मर सकती है भाई। और आर इनवॉलेंट्री रिएक्शंस एसेसरी रिएक्शंस भी, बट इन एब्सेंस बॉडी कांट डाई, इनकी एब्सेंस में बॉडी मरेगी नहीं, जीवित रहेगी, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, ये इसके एग्जांपल हैं भी वाइटल रिएक्शन के, एक्सकर्सन हो गया, हार्ट बीट हो गई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये सारे के सारी जो रिएक्शंस हैं ये एग्जांपल है किसकी, वाइटल रिएक्शंस की, ठीक है। जैसे रेस्पायरेशन है, श्वसन है, तो पूरा अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा, न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो हम जीवित कैसे रहेंगे भाई, एटीपी है, एनर्जी है, वो कैसे बनेगी, ठीक है। उसके बाद एक्सकर्सन है यानी उत्सर्जन है, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं आएगा, तो हम तो भर जाएंगे, फट जाएगी एक दिन ये शरीर, ठीक है ना। इसी के कारण कहते हैं कि अगर वाइटल रिएक्शंस नहीं होगी तो बंदा क्या है, उसका शरीर क्या है, मर भी सकता है। ब्लड सर्कुलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ना होगा तो शरीर चलेगा ही नहीं भाई। और उसके बाद जो एसेसरी रिएक्शंस है उनके एग्जांपल हैं बच्चों, हाइकपस यानी हिचकी आना, ठीक है, बर्प यानी डकार आना, स्नोरिंग यानी खराटे भरना, कोल्ड एंड कम्प जुखाम और खांसी, स्नीजिंग छींकना, ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज आंखों का झपकना, वोमिटिंग उल्टी करना, ठीक है, या यानिंग उबासी लेना, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके हैं एसेसरी रिएक्शंस के, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस के। और ये सारी की सारी जो रिएक्शंस है कंट्रोल की जाती है किससे, मेंडुला ओब्लॉन्गाटा से, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आप कर दोगे भी। अब अगर हम पोन्स की बात करते हैं या पोन्स वेरोली की बात करते हैं, तो पोन्स वेरोली क्या है बच्चों, ये जो हमारे बॉडी ऑर्गेन्स हैं और जो ब्रेन पार्ट हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो कि एक हिस्सा तो इसका बॉडी पार्ट यानी बॉडी ऑर्गेन्स को जाता है, हार्ट, स्किन, ईयर, आइज को जाता है, एक हिस्सा किस तरफ ब्रेन पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है, मेंडुला से, थैलेमस से और मिड ब्रेन से। बॉडी ऑर्गेन और ब्रेन पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है ये, किसका काम करता है, कम्युनिकेशन का। और ये कंट्रोल करता है बच्चों किसको, रेस्पायरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को। और जो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है मेंडुला, कौन करता है, मेंडुला, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लो भाई, पोन्स वैली ये रहा, देख लो ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों जो चीजें करवाई जा रही है उनको अच्छे से कर लो, दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का जो काम है बच्चों, मिड ब्रेन क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, और इसको सिक्स्थ सेंस ऑर्गेन भी कहते हैं। पांच से जो हमने सेंसरी ऑर्गेन थे वो तो पढ़ लिए हैं, ईयर हो गया, आई हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ठीक है, और इनके काम भी मैंने आपको बता दिए सारे। नींद किसी ने देखी है वीडियो दोबारा देख सकते हो भी यहाँ पे आप लोग, ठीक है। और जो मिड ब्रेन है बच्चों वो कंट्रोल करता है आई और ईयर्स को, यानी जो हमारे सेंसरी ऑर्गेन्स है उनको कंट्रोल करता है। और जो मिड ब्रेन के जो फंक्शंस है बच्चों वो क्या है, ये कंट्रोल करता है नोज, टंग, स्किन को, ठीक है, किसके द्वारा, थैलेमस के द्वारा। और जो कॉर्पोरा
क्वाड्रीजेमिना है, यानी चार लोब होते हैं भाई इसमें, ठीक है, वो होते हैं कॉलिक्यूली, यानी चार लोब को कॉलिक्यूली भी ये बोलते हैं, मिड ब्रेन में होती है ये चारों के चारों, ठीक है। एक होता है सुपीरियर कॉलिक्यूली और दो होती है भाई, सॉरी ये, ठीक है, ये देखो ये आईज यानी विजुअल पावर हमें प्रोवाइड करती हैं, और दो होती है इन्फीरियर कॉलिक्यूली, ये नीचे वाले भाग का हिस्सा होती हैं, ठीक है, ईयर और हियरिंग पावर हमें प्रोवाइड करती है, ये मिड ब्रेन में पाए जाते हैं। उसके बाद है बच्चों फोर ब्रेन यानी अगर मस्तिष्क, ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, इसमें थैलेमस पाया जाता है जो सेंसरी ऑर्गेन नोज स्किन टंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नोज क्या है, हमारा स्मेल की पहचान करता है, स्किन क्या करता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, हीट, कोल्ड, एक्सटर्नल पेन, टच आदि को क्या करता है, ये पहचानता है। जीभ क्या करती है भाई, टेस्ट यानी स्वाद को महसूस करवाती है। और जो हाइपोथैलेमस है बच्चों, हिंदी में यही लिखेंगे इसको, और थैलेमस मींस टेम्परेचर, थैलेमस का मतलब क्या होता है साथियों, टेम्परेचर। और जो हमारी बॉडी का जो आंतरिक तापमान है उसको नियंत्रित कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है। और हाइपोथैलेमस यानी ये फोर ब्रेन का एक पार्ट है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद जो इंटरनल पेन को महसूस करवाता है वो भी कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है, जैसे भूख लग गई, प्यास लग गई, फीलिंग्स, ठीक है, स्माइल, मूड, डर, गुस्सा, हॉबीज, लव, हेट, इमोशंस, वो सारे किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा महसूस करवाए जाते हैं। उसके बाद है बच्चों सेरिब्रम, सेरिब्रम को हायर माइंड भी कहा जाता है, उच्च दिमाग भी कहा जाता है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होती है ये, सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन को सपोर्ट करता है वो कौन करता है, सेरिब्रम, 2/3 ऑफ ब्रेन होता है ये, और इसको इंटेलिजेंट माइंड भी कहा जाता है। और सेरिब्रम है ना बच्चों, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होता है बच्चों ये बड़ा हिस्सा होता है, एक होता है हाइपोकैम्पस, ये होता है छोटा हिस्सा। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के चार लोब होते हैं, कितने लोब होते हैं, चार, ये देखो बच्चों, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हाइपोकैम्पस हो गया, और ये इसके चार लोब हो गए, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है, ये भी टेम्पोरल लोब है, और ये कौन सा है, पेरिफेरल लोब, ये चार तरह के लोब होते हैं बच्चों। अब फ्रंटल लेब है, फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, इमेजिनेशन करवाना, विलिंग पावर को मेंटेन करना, जो हमारी इच्छा शक्ति है, सोचने की शक्ति है उसको, पावर सॉल्विंग जो कहा जाता है वो भी फ्रंटल लेब का काम होता है, जो डिसीजन हमें लेते हैं वो भी फ्रंटल लेब के द्वारा करवाया जाता है, क्रिएटिविटी है वो भी फ्रंटल लोब के द्वारा आती है, जो थॉट्स आती है वो भी इसके द्वारा आती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है यानी जो अच्छे कपड़े पहनना, बाल सिंगारना वगैरह वगैरह जो काम है वो भी फ्रंटल लोब करवाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन पावर है वो भी किसके द्वारा करवाया जाता है, फ्रंटल लोब के द्वारा। और मेमोरी फॉर्मेशन है वो भी यही होती है, आपकी जो यादें हैं वो भी यही बसती हैं। और जब फ्रंटल लोब डिसऑर्डर होगी तो व्यक्ति को एमपीडी हो जाता है। एमपीडी का मतलब क्या है बच्चों, मतलब है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है आपका पार्शियल लोब, ये क्या करता है भाई, ये स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज को स्टोर करता है, हमारा बोलने का जो तरीका है वो इसी से आता है, कम्युनिकेशन भी इसी से कर पाते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग आपके एग्जाम में आती है वो भी आप इसकी हेल्प से सोल्व कर पाते हो। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम पर भी काम कौन करता है, पार्शियल लोब करता है बच्चों। और पार्शियल लोब डैमेज हो जाएगा तो उससे बीमारी हो जाएगी, जिसको बोलेंगे डिसलेक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसलेक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है बच्चों ओसीपिटल लोब, ये क्या है, सबकॉन्शियस होता है, अर्ध चेतना में ज़्यादा काम करता है, और इसके कारण नींद आती है, और जो ड्रीम की फॉर्मेशन होती है वो भी इसके कारण होती है, विजुअल सेंसरी एरिया भी ये होता है, ठीक है। उसके बाद है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब क्या होता है, सबकॉन्शियस स्टेज यानी स्लीपिंग, नींद में आवाज़ सुनना, ठीक है, ये काम किसका होता है, टेम्पोरल लोब का होता है। और सारा का सारा जो डाटा स्टोर करता है वो कौन करता है, टेम्पोरल लोब, कहाँ करता है, हाइपोकैम्पस में, ठीक है। हार्ड डिस्क भी इसको बोलते हैं, दिमाग की जो हार्ड डिस्क है वो भी किसको बोलते हैं, टेम्पोरल लोब को, ठीक है। और इमेज फेस स्टोरेज भी करते हैं। और हाइपोकैम्पस खराब हो गया
तो टोटल लॉस ऑफ मेमोरी ही उसके कारण एक बीमारी हो जाएगी। कौन सी एक बीमारी हो जाएगी बच्चों, उसको हम कहेंगे एमनेक्सिया। एमनेशिया, क्या कहेंगे? एमनेशिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल लास्ट तक बच्चों वीडियो को देख लेना, गारंटी देता हूं इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल्स भी इनको बोल देते हैं, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की वो भी क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है, और सेल ऑफ ब्रेन यानी कोशिका का जो दिमाग है वो भी किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। और न्यूरॉन का काम क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, सिग्नल्स है, उनको ट्रांसफर करना। और ह्यूमन बॉडी में कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? तो आप कहोगे 100 बिलियन न्यूरॉन। ठीक है, और न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट जो कोशिका है, सबसे बड़ी जो कोशिका है, सॉरी लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो कोशिका है वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, और न्यूरॉन है ना बच्चों, न्यूरॉन के पास मिनिमम पावर होती है रीजनरेशन की ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, सबसे कम पावर होती है रीजनरेट होने की। अगर न्यूरॉन बढ़ना बंद हो गया ना तो पैरालिसिस हो जाएगा, लकवे की जो शिकायत है वो हो जाएगी मेरे साथियों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, न्यूरॉन है ना ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, ध्यान रख लेना ये बात। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। पूछ ले भाई निम्न में से न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? तो न्यूरॉन में होता है। ठीक है, डीएनए, राइबोसोम, ईआर, सेल मेम्ब्रेन भी इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के दो हिस्से हैं, एक तो हेड है, ठीक है, और एक होता है टेल यानी एक्सोन, और ये हेड होता है सेल बॉडी, और साइटोन भी इसको कहा जाता है हेड को, और इसमें व्हाइट मैटर होता है, सफेद पदार्थ इसमें पाया जाता है। ठीक है, और जो टेल है बच्चों, इसमें ग्रे मैटर पाया जाता है, ठीक है, डिसाइड करता है, और जो हमारा टेल है एक्सोन है ये डिसाइड करता है हमारा आईक्यू लेवल। क्या डिसाइड करता है? आईक्यू लेवल। ये देखो बच्चों, ये इसका हेड पार्ट है, सेल बॉडी है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? टेल वाला, ये हो गया आपका टेल वाला जो हिस्सा है। ठीक है, ये दो यानी ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको एक्सोन बोलते हैं भाई, दो पार्ट बताएं इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। ये देखो ये टेल हिस्सा वाला, ठीक है, उसके बाद ये आपका एक्सोन टर्मिनल है। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये जो छोटे छोटे डैश से दिख रहे हैं ये आपके डेंड्राइल्स हैं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल बॉडी हो गई कंप्लीट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। और ये बाहर का जो इसका आवरण है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, और ये बीच में जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है ना बच्चों, और ये होता है हमारा एक्सोन टर्मिनल, और इन हिस्सों को हम साइनेप्स भी बोलते हैं, कंफ्यूज ना होना भाई। अब देखो जो व्हाइट मैटर होता है किसमें? हेड में होता है ना। ये देखो ये डायग्राम बना दिया भाई, ये डेंट्राइल्स होंगे आपके, ये सेल बॉडी हो जाएगी, ये नेसल ग्रेनुअल्स हो जाएंगे जो दहाँ डॉट लगा रखे, देखते जाना बस आप लोग। और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है, और इनको डेंड्रोन भी बोल देते हैं, रेगजोन भी बोल देते हैं। ये माइलिन शीथ होता है भाई, ठीक है, और ये साइनेप्टिक नोब्स भी होते हैं, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ देखो, ये एक्सोन टर्मिनल होते हैं, और ये साइनेप्स बोलते हैं जिनको, ठीक है ना। और ये होता है नोड ऑफ रणवियर। वहाँ डायग्राम में मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हैं, किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना भाई। ठीक है, अब इसके हम फंक्शंस की बात करेंगे कि इसमें डेंड्रोन का काम क्या होता है। तो बच्चों डेंड्रोन रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन अलग अलग ऑर्गेन से, और इट डिवाइड इन टू ब्रांचेज आर नोन एज डेंड्राइट, और इसकी जो ब्रांचेज हैं उनको हम कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है भाई? न्यूक्लियस में नेजल ग्रेजुएंट्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। एक्सोन है भाई, एक्सोन का क्या काम होता है बताएंगे। देखो पहले ये सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है भाई, कनेक्टेड टू डेंड्रोन, डेंड्रोन से जुड़ी हुई होती है जिसको कहते हैं एक्सोन, और ये काम करती है किसका? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का।
ठीक है। और इसमें एक्सोन पर प्रोटीन की लेयर होती है जिसे माइलिन सीथ कहते हैं, माइलिन सीथ। अब क्वेश्चन आ जाए कि एक्सोन पर प्रोटीन लेयर को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे माइलिन सीथ, ठीक है। और एक्सोन पर किसकी लेयर होती है, तो आप कहोगे बच्चों प्रोटीन की लेयर होती है। उसके बाद माइलिन सीथ में बहुत सारी सेल्स भी होती हैं भाई, उन सेल्स को कहते हैं स्वान सेल्स। कौन सी सेल कहते हैं, स्वान सेल्स कहा जाता है। और इन सेल्स का काम होता है अनियंत्रित सेल डिवीजन, तो ब्रेन में ट्यूमर बन जाती है इनके कारण भाई। जब ये ज्यादा सेल डिवीजन करने लग जाएगी तो उन सेल्स के कारण दिमाग में क्या बन जाएगी, ट्यूमर, गांठ बन जाएगी, ठीक है ना बच्चों। क्या बन जाएगी, दिमाग में ट्यूमर बन जाएगी, यानी गांठ बन जाएगी। अब नेक्स्ट है बच्चों, नोड ऑफ रणवीयर मैंने आपको बताया था, उसका काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को स्पीड देता है, स्पीड अप करता है। जैसे एक्सोन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और ट्रांसफर करेगा, तो वहां जो नोड ऑफ रणवीयर है वो इस इन्फॉर्मेशन को बूस्ट करेगा। बूस्टर ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन है, नोड ऑफ रणवीयर है बच्चों, ठीक है। और जो एंड पॉइंट ऑफ एक्सोन है उसको हम कहेंगे साइनेप्टिक नोब, जिसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन ट्रांसमीटर भरे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्रेन तक पहुँचाते हैं। और इन न्यूरॉन ट्रांसमीटर को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। और साइनेप्स क्या होगा बच्चों, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरोन के बीच में जब गैप होगा उस गैप को कहेंगे साइनेप्स, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब जो न्यूरॉन है बच्चों उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया मोटर न्यूरॉन, ठीक है, इसको कहते हैं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी इसका काम होता है मोटर न्यूरॉन का इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और न्यूरॉन्स में लॉन्गेस्ट न्यूरॉन है ये मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, स्वेंदी न्यूरॉन हिंदी में कहा जाता है, ये इन्फॉर्मेशन का क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लगेगा यार ये चीज, जब किसी चीज को, किसी बर्तन को आपने छुआ, मान लो वो गर्म है, तो उसको जो सेंसरी जो हमारे न्यूरॉन है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तेरे को क्या करना है, उसको छोड़ना है या पकड़े रखना है, ठीक है। उसके बाद है रिले न्यूरॉन्स, तो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को जोड़ने का जो काम करते हैं न्यूरॉन्स, उनको कहते हैं रिले न्यूरॉन्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर, स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस घंटी को जरूर दबा देना। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। ग्रुप के क्या फ़ायदे हैं, ग्रुप में आप अपनी जो डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हो। ग्रुप में आपको हमारा टाइम टेबल मिलता रहेगा, किस टाइम वीडियो आएगी किस टाइम नहीं आएगी, उसके साथ साथ आपको PDF फाइल्स मिलती रहेगी। और क्विजेस भी हम उसमें करवाते हैं, उनका फ़ायदा भी आप उठा सकते हो मेरे प्यारे साथियों। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है ना। उसके साथ साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, आपका अपना चैनल है यार, ठीक है। और जो VLDI एंट्रेंस एग्जाम 2021 की आप तैयारी कर रहे हो, बस इसी तरह से जुटे रहो, आप लोगों का एडमिशन ज़रूर होगा। करना क्या है, हर एक वीडियो को लास्ट तक देखना है, और आपने इस वीडियो को आज लास्ट तक देखा उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब मिलेंगे बच्चों हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।